हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और मारुति सुजुकी को तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये इंडिया की सबसे बड़ी मोस्ट पॉपुलर कार कंपनी है। भले ही सब लोग ये भी जानते हैं कि इसकी कार गाड़ियाँ ज़्यादा सेफ नहीं होती, लेकिन फिर भी इसकी गाड़ियों को लेना लोग बहुत ही ज़्यादा रिलायबल मानते हैं, क्योंकि इनकी गाड़ियों की जो इंजन है वो रिफाइंड होती है और इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो आपको बहुत ही ज़्यादा माइलेज देती है, खासकर हमारे इंडियन रोड्स में भी। बाकी कंपनी की गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा आपको माइलेज नहीं दे पाती, लेकिन जैसे कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि जब से CNG वाली मारुति की एड्स आने चालू हुई है, तब से बहुत सारे मारुति की ऐसी गाड़ियाँ हैं, मतलब मारुति सुजुकी की, जो कि जगह जगह पर स्पॉट हुई है। पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था जो कि सेलेरियो के ऊपर था, जिसमें मैंने उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया था। अब जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बलिनो के ऊपर है, मतलब कि इसमें कि अगर आप बलिनो को देखें ना तो आप भी पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें जो बहुत सारी चेंजेस हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा चेंजेस की गई हैं इस बार की बलिनो में। पहले की जो स्विफ्ट डिजायर थी सेम आपको वैसे ही दिख रही है बलिनो, लेकिन बहुत सारी अलग भी चेंजेस हैं। तो देखो यार, सबसे पहले तो मैं इसका क्रेडिट देना चाहूँगा हर्ष व्लॉग्स को, क्योंकि मैंने उन्हीं से ये फोटोज़ ली हैं और उन्हीं ने मुझे बोला है कि मतलब इजाज़त दी है कि आप इस फोटोज़ को अपने वीडियो में यूज़ कर सकते हैं, तो ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है। बाकी इस फोटोज़ में क्या क्या आपको मिल जाते हैं, मतलब क्या क्या आपको दिख रहा है लीक्ड इमेजेस में, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले वाले जो फोटो में है, आपको सबसे पहले दिखेगा एक इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि फ्लोटिंग टाइप का आपको दिखेगा। इससे आपको अल्ट्रोस की याद आएगी, लेकिन ये असल में बलिनो है। और इसके अंदर अगर आप देखें जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, आपको हार्मन की तरह दिख रही है, उसके अंदर आप देखें तो ये सुजुकी का स्मार्ट प्ले सिस्टम नहीं लगता। हो सकता है सुजुकी ने अपने स्मार्ट प्ले सिस्टम को अपडेट किया हो, तो आप चाहे तो कुछ भी कह सकते हैं कि ये इंफोटेनमेंट सिस्टम को चोरी किया गया है या फिर इसके डिज़ाइन को चोरी किया गया है, कुछ भी। नीचे में आप इसके एसी वेंट्स को देख सकते हैं, पहले ये वर्टिकली आती थी, खड़ी हुई दिखती थी, अब ये सोए हुए दिख रही है, मतलब कि हॉरिजॉन्टली दिख रही है। और इसके एसी के जो कंट्रोल्स हैं वो आपको i20 की तरह कुछ दिखेंगे, मतलब कि जैसे एसी के जो छोटे छोटे पिलर होते हैं ना, उनको ऐसे ऊपर नीचे करने से जो i20 में कंट्रोल होता है एसी, सेम वैसे ही इसमें कंट्रोल होंगे। और यहाँ पर आपको तीसरा सबसे बड़ा चेंज जो दिख जाएगा वो यहाँ की डैशबोर्ड है। पहले के डैशबोर्ड पूरी तरह से ब्लैक आते थे, प्योर ब्लैक, मतलब कुछ और उसमें एलिमेंट होता ही नहीं था, पूरी तरह से ब्लैक। और अब तो इसमें यहाँ पर आपको व्हाइट की फिनिशिंग भी दिख रही है, नीचे में थोड़ी सी हरे टाइप की दिख रही है, पता नहीं ये हरा है या फिर ब्लैक है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ऊपर का तो पूरा ब्लैक ही रहेगा, ये तो कंफर्म है। यहाँ पर आपको बीच में व्हाइट रंग की पट्टी दिख जाएगी जो कि आपको यहाँ से लेकर बिल्कुल ये टच स्क्रीन जो है यहाँ तक ऐसे घूमी हुई दिखेगी। और यहाँ से अगर आप राइट साइड में देखें तो ये पता चलता है कि जो आपका स्टेयरिंग व्हील मिलेगा वो आपको फ्लैट बॉटम मिलेगा, जो कि डिजायर और स्विफ्ट में आती थी अभी तक। और MID को अगर आप देखें तो ये पेट्रोल इंजन है, ये तो पता ही चल रहा है, पेट्रोल इंजन तो आएगा ही आएगा। हो सकता है इसमें CNG भी आए, क्योंकि मारुति सुजुकी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है CNG की कार्स पर। आप उनके एड्स वगैरह को देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है वो CNG कार्स पर, ताकि माइलेज ज़्यादा से ज़्यादा निकाली जा सके। तो ये पेट्रोल इंजन है, यहाँ पर MID में आपको रेड कलर का जो लाइट दिख रहा है, हो सकता है ये आपको न्यू लाइट्स मिले MID में। और इनकी MID में तो कंट्रोल्स बहुत सारे हैं, आप कोई सा भी कलर चूज कर सकते हैं, लेकिन जो नीचे का लाइट होता है वो अक्सर ब्लू में ही रहता है, तो ये आपको रेड में भी मिल सकता है। ये एक नया इसमें सिस्टम अपडेट किया गया है। और अब चलते हैं दूसरे इमेज की तरफ। तो आप दूसरे इमेज में देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो हॉर्न का स्टाइल है, मतलब कि स्टीयरिंग का स्टाइल है, उसको चेंज किया गया है। जो स्विफ्ट डिजायर में आपको स्टीयरिंग हॉर्न मिलती थी, सेम वही वाली लगाई गई है, आपकी बलिनो वाली हटा दी गई है पूरी तरह से। और उसके बगल में आप ऑडियो माउंटेड कंट्रोल तो देख ही सकते हैं, जो कि स्विफ्ट डिजायर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्रूज कंट्रोल, मतलब इसमें आपको साफ है कि आपको क्रूज कंट्रोल मिलेगा, तो खुश हो जाइए क्योंकि आपको क्रूज कंट्रोल मिल रहा है इसमें, जबकि पिछले में तो टॉप मॉडल तक भी नहीं मिलता था, अलग से लगवाने वाली बात ही अलग है फिर। और इसमें आपको स्टेयरिंग डुअल टोन में मिलेगी एक सिल्वर की फिनिशिंग के साथ, और ऊपर की तरफ आप यहाँ से देखें तो यहाँ पर से आपको पूरी तरह से लेदर रैप्ड मिलेगी, नीचे वाली लेदर रैप्ड नहीं है क्योंकि ये सिल्वर की फिनिशिंग है। और देखिए ये स्टेयरिंग व्हील को, तो ये स्टेयरिंग व्हील अच्छी लग रही है, क्योंकि ये जो वी टाइप की या यू टाइप की जो स्टेयरिंग व्हील पहले आती थी वो अच्छी नहीं थी, मतलब दिखने में अच्छी नहीं थी, भले ही काम अच्छा करती थी, लेकिन ये थोड़ी प्रीमियम टाइप की लुक देती है, मर्सिडीज टाइप थोड़ी, तो ये एक अच्छी बात है। और अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो बटन्स हैं, ये कॉल रिसीव वगैरह करने का, तो ये जो बटन्स हैं ये पहले के मुकाबले थोड़ी थोड़ी बड़ी दिख रही हैं। अच्छा, ये पिक्चर क्वालिटी की वजह से नहीं है, क्योंकि ये बटन सही में इस बार बड़ी दिख रही हैं मुझे, क्योंकि पहले बहुत छोटी छोटी दिखती थी। अगर आप पिक्चर में खींच के भी देखें असली बलिनों का, तो वो छोटी छोटी दिखती हैं, लेकिन ये थोड़ी बड़ी बड़ी दिख रही हैं। तो ये हो सकता है इस बटन को थोड़ा बड़ा किया गया हो, ताकि लोगों को आसानी हो इसको रिसीव और कट वगैरह करने में। अच्छा, और अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको ऑटो लाइट्स वगैरह तो इसमें सभी मिलेंगे, ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स, ये सब आपको पहले से मिलेंगे, क्योंकि ये पूरा इसके कंट्रोल्स में दिख रहा है कि आपको क्या क्या मिलेगा। और साथ ही जो पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है वो तो सेम ही मिलेगा, वहाँ आप बगल में देख सकते हैं कि बहुत सारे आपको कंट्रोल्स इस बार मिल रहे हैं।
यहाँ पर से मैं आपको जूम करके बता देता हूँ, इस बार आपको बहुत सारा कंट्रोल दिया गया है यहाँ पर, तो हो सकता है आपको इस बार मारुति सुजुकी की बलिनों में बहुत सारी चीज़ें खास मिल जाएं और सीएनजी के ऑप्शन तो आएगी ही आएगी, ये कंफर्म। और यहाँ लेफ्ट के नीचे की तरफ देखें तो ये जो यूएसबी और ये जो 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, ये आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस में दिखेगी, जो लगभग 2 से 3, 3 से 4 इंच तक के डिफरेंस में है, क्योंकि पहले ये बहुत कम डिफरेंस में थी। अगर आप पहले के बलिनों में ध्यान दिए होंगे तो बहुत कम डिफरेंस पे थी, क्योंकि मेरे पास अभी बलिनो है तो ये सब मैं जान लूँ कौन कैसा है और कहाँ पर था। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि नीचे की एम्बियंट लाइटिंग ब्लू कलर से या वाइट कलर से अलग कर दी गई है रेड कलर की तरफ, तो ये आप नीचे यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं कि ये जो लाइट है ये आपको रेड कलर की दिखेगी, ये पन्नी वन्नी नहीं है कोई भी, क्योंकि आप ऊपर में एमआईडी के इस पिक्चर में देखें तो यहाँ पर भी रेड लाइट जल रही है, मतलब कि इसमें आपको रेड लाइट की एम्बियंट मिल सकती है जहाँ पर आपको ब्लू मिला करती थी पहले की तरह। अब इसके सेकंड पिक्चर की तरफ बढ़ते हैं जो कि इसकी एक्सटीरियर की है, तो एक्सटीरियर में आप देख सकते हैं आपको सेम वही वाइपर मिलेंगे बैक के लिए, मतलब रियर के लिए। यहाँ पर आपको डिफॉगर तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में वॉशर भी मिलेगा, ऊपर की तरफ आपको स्पॉइलर मिल जाएगा और यहाँ पर हेडलाइट्स आपको सेम मिलेंगे। अगर आप इसके व्हील्स को ध्यान दें तो इसके व्हील्स को बहुत ही ज़्यादा चेंज की जा चुकी है। अगर ये टॉप मॉडल होती है तो इसके व्हील तो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, लेकिन अगर ये बेस मॉडल है तो अच्छी बात है, क्योंकि बेस मॉडल में ऐसे व्हील मिलना बहुत मुश्किल है, और मारुति सुजुकी बेस मॉडल में तो ऐसे व्हील देती ही नहीं है, कतई नहीं देती। तो इसमें कीलेस एंट्री का ऑप्शन आपको पहले की तरह मिलेगा ही, इसका जो शीशा वगैरह वो भी आपको पहले की तरह मिलेगा, ऊपर में आपको यहाँ पर एंटेना भी मिल जाएगा, और पीछे की तरफ का लुक आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे, लेकिन हो सकता है पीछे की तरफ आपको डिज़ाइन मिल जाए, क्योंकि मारुति सुजुकी की गाड़ी में एक तो ज़्यादा चेंज नहीं होता, लेकिन कॉमोफ्लेज भाई इतना ज़्यादा ठूस देते हैं ना कि लगता है बहुत कुछ चेंजेस होने वाली है इन गाड़ियों में। बाकी अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें, लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। तो बाकी आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। राइड सेफ एंड बी सेफ।